एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो सिंध में है और उनका थोड़ा सा डिलीवरी सर्टिफिकेट डिफरेंट है, ये भी चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि वो उनके पास एक प्रॉपर रजिस्टर्ड सिंध का जो है वो थर्टी सर्टिफिकेट होता है, तो उसको रिजेक्ट ना किया जाए क्योंकि वो उनको फिर से भेज देते कि लीजिए इस तरह का बना के लाइए सर्टिफिकेट इस तरह का होता है, लेकिन उनका टू टू थ्री पेज का है जिसमें उन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन भी उसका मैंशन किया होता है, उसकी डिसेबिलिटी फर्दर आगे सब काइंड ऑफ डिसेबिलिटी और उसमें सारी डिटेल्स। इसके अलावा जो इसमें एक पॉइंट और जो मैंशन करने का है वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज की ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो हमारे साथ काफी अलाइड ऑर्गेनाइजेशन आई एन जी ओ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं, बिकॉज जो डीपीओ के तहत दोज आर बाउंड टू हायर एंड एम्प्लॉय टू स्पेशल पर्सन अकॉर्डिंग टू 2% कोटा, और अगर वो 2% कोटा को अडॉप्ट नहीं करते तो अगेंस्ट 100 एम्प्लॉयज अगर वो हायर कर लेते तो उसके अगेंस्ट 14,000 जो है पर मंथ एनसीआरडीपी को पे किया जाता है, जबकि जो 2% कोटा का फॉलो की आप बात करते हैं बहुत से लोग ये मुझसे सवाल करते हैं तो मेरे पास उसकी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, उसके लिए भी एनसीआरडीपी उसको फॉलो अप भी करती है और प्लस जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बने होते हैं उसके लिए कमिश्नर जो है वो साइन है, ये सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ऑफिस आई 113 बिल्कुल जो ये मेट्रो जहां पर है अगर सबको पता हो तो ये वो उस ये बताइए कि जोन में वहां पर ये ऑफिस है तो वहां पे भी जाके आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स सीवी डिटेल में आप उनसे मिल सकते हैं और आप उनको सबमिट करा सकते हैं, और उसमें ये है कि उनके पास तमाम जितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज और कमर्शियल जो हमारे पास डिफरेंट कंपनीज जो भी इस पर काम कर रही हैं वो उनको रेफर करती हैं और इससे भी बहुत से लोगों को जॉब्स मिली हैं और मिलती हैं, ये भी एक है जिसमें मैक्सिमम बल्कि कोहिनूर को मैंने अप्रोच नहीं किया था, कोहिनूर का रेफरेंस मुझे उनकी तरफ से मिला था, देखिए चूंकि यहाँ पे मोस्टली लोग अवेयर नहीं होते उनको नहीं पता होता, तो ये दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पे आपको लास्टली उनको अप्रोच करना चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करें, आपको वहां पे कोई कंपनसेशन चाहिए, कल जैसे एनडीएस की बात हो रही थी तो जो हम अप्लाई करते हैं तो हम बल्क में जब एक केस किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर तो उस पर ट्रांसपेरेंसी हुई भी हो तो वो तो बहुत ज्यादा फेवर देती है, ट्रांसपेरेंसी इस टाइम सिर्फ पंजाब में हो रही है क्योंकि पंजाब की अगर आप एडवर्टाइजमेंट को देखें तो उसकी उनकी एडवर्टाइजमेंट में जो है वो अगर कोई स्पेशल पर्सन का है तो उसकी सेपरेट अनाउंस होती है, लाइक अगर एनडीसी की 10 सीटें हैं तो 10 में से अगर वो जब कोटा निकाला जाता है कि केपी का इतना है फ्लाह का इतना फ्लाह का इतना है तो उसमें स्पेशल पर्सन के लिए उन्होंने सेपरेट पोस्ट मेंशन किया होता है कि इस सीट पर एक जो है वो मजदूर बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है, तो वो तो ट्रांसपेरेंसी हो गई, लेकिन फेडरल में अभी तक ये है कि बहुत कम कुछ ओपन डिपार्टमेंट्स लाइक बाटा और उनमें ये चीज अब अडॉप्ट होनी शुरू हुई कि वो भी सेपरेट पोस्ट अनाउंस करने लग गया, उसमें उसमें कम अज कम ये चीज हमें भी क्लियर हो जाती है कि जो भी अप्लाई करेगा वो कम अज कम राइट जो है वो एक स्पेशल पर्सन को ही मिलेगा, हाँ मेरिट उनके दरमियान में मिलता है। एक चीज जिसमें रिकमेंडेशन मेरी एक और फर्दर होगी कि वो एनडीएस के लिए पर्सनली तो मैं ये है कि जो डिपार्टमेंट अनाउंस करता है और जब हम बल्क में अप्लाई कर रहे होते तो हम एनडीएस की फी पे नहीं करते, हम एनडीएस की फी पे नहीं करते, हम उनको डायरेक्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं और हम उनको ये लेटर लिख देते हैं ये स्पेशल पर्सन हैं तो इस फी को जो है वो एग्जाम किया जाए, दे कांट पे दिस, तो उसमें होता है कि वो डिपार्टमेंट में डायरेक्ट अगर उसने पीडीएस के थ्रू एनडीएस के थ्रू आईडीएस के थ्रू जिस भी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू उसको अनाउंस करवाया है तो वो केसेस डायरेक्ट उनको सबमिट करवा देते हैं। समटाइम ऐसा भी हुआ है कि पीडीएस में भी प्रीवियस कुछ अनाउंस नहीं थी तो हमें डायरेक्ट जाके जो पीडीएस की अथॉरिटी है हम उनसे मिले और हमने उनको डायरेक्ट विदाउट हमने फी के वो केसेस सबमिट करा दिए, वो एंटरटेन हुए और उसके बाद वो टेस्ट का प्रोसीजर हुआ। रिकमेंडेशन जो मैं देना चाह रही हूँ एक ये कि इसको अगर उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी और प्लस अगर कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके यहाँ टेस्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तो लिखा जाए कि जो टेस्ट बेसिकली एक तो टेस्ट फी एग्जेम्प्ट की जाए, सेकेंडली जो टेस्ट लिया जाता है वो टेस्ट सेपरेट बनाया जाए और वो उन स्पेशल पर्सन के दरमियान उसका वो होना चाहिए, लाइक नॉर्मल का जो टेस्ट होता है वो आप उसको स्पेशल पर्सन के टेस्ट के साथ नहीं कर सकते, जैसे अगर इसको हमने पीएनसीए में एक्सपीरियंस किया पाकिस्तान नेवी का है या आर्मी की कोई जीएचक्यू की अनाउंस होती है तो उनका टेस्ट बल्कि अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, पहले उसमें ये होता था कि टेस्ट के अंदर मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं जो नॉर्मल अगर किसी ने दिया हुआ तो एक्सपीरियंस किया हो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है या कोई सीनियर पोस्ट है 1 से 15 तक यूजीसी यूडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव एलडीसी इनके लिए आती है, डेटा एंट्री की आती है उसमें इस्लाम है जनरल नॉलेज और डिफरेंट पोर्शन होते हैं मल्टीपल चॉइस और एक पेपर इस तरह से होता है, एक उनके साथ एक उन्होंने टेस्ट रखा जो आर्मी का आईक्यू का नहीं जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं और उनको आपको विद इन टाइम जो है वो कंप्लीट करना होता है, तो वो मेरे ख्याल में स्पेशल बच्चे के लिए ना तो वो टाइम पीरियड इनफ होता है तो बच्चे को टाइम भी ज्यादा चाहिए और उसको टेस्ट भी जो नॉर्मल वाले से थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में चाहिए, सेकेंड वहां पर ट्रांसलेटर्स नहीं होते हैं ये हम तो आई एम डूइंग टू माई इंडिविजुअल
इंडिविजुअल लेवल पे इसको मैं फाइट करती हूँ, लेकिन इसको ये है कि प्रॉपर वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की हर इदारा उसको पता होना चाहिए कि जब मैं अगर कंडीशन में लिख रहा हूँ कि इस पोस्ट के अगेंस्ट इसमें मजदूर अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसे फिर वो स्पेशल पर्सन के लिए वो तमाम फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए, हेयरिंग के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए, विजुअल के लिए भी उसी तरह से कि उनको सीटिंग अरेंजमेंट और वो सब दिया जाए, फिजिकल के लिए जैसे फेस करते हैं वापटा में हमने अप्लाई कर दिया तो वापटा ने जो उसका स्टेशन रख दिया टेस्ट का वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर वाले फ्लोर, आप सोचेंगे जो व्हील चेयर वाले बच्चे थे रैंप नहीं है फिर वो एक्सेसिबिलिटी वाला प्रॉब्लम, तो वो उनके फिर दो दो तीन तीन लोग उनको पास को उठा कर लेकर गए ऊपर स्टेयर चढ़ा के, मैं खुद जाती हूँ साथ, ऐसा भी होता कि हम भेज देते, तो ये चीजें कुछ हम वहाँ पे प्रैक्टिकली इन फील्ड इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन फिर वो रिक्वेस्ट पे होता है कि उनको या तो वो नीचे अकोमोडेट कर देते हैं, बाकी सारे कैंडिडेट्स ऊपर होते हैं, तो उनके लिए कहता है ग्रुप और उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज जो है वो देनी चाहिए, ये सब है। इसके अलावा ये है कि इंस्टीट्यूट का और मैंने काफी सारे लोगों को कल भी हमने बता दिया था, इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं पर्सनली, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू सो मच सैशा for such a comprehensive and useful set of information. Now I would like to request Mr. Sayyed Faraz Shahid, Director of Sustainability, Telenor Pakistan, to provide an industry perspective about the people with disabilities and their employment opportunities. And I would just request all the panelists to restrict the presentation to 7 to 10 minutes. Thank you. Thank you. So, when we started working with people with disabilities, we saw three major challenges, three major hurdles. The first one was accessibility. Our offices were not accessible. So we partnered with them. We did a disability audit. We found an accessibility audit. And we found out that there were a lot of changes that we needed in our own workplace to make our facility accessible and usable for people with disabilities. That was the first challenge. It is not just that you have ramps and accesses, but then the washrooms have to be redone, the coffee counters have to be relocated. You basically see how these people move and operate in a normal routine. And then all of those elements, wherever you feel that there are hindrances, they have to be addressed. The second challenge, and I think that was a far bigger challenge, was a behavioral change that was required in our employees. So people with disabilities have their own particular needs. And we had to sensitize people, the line managers, the workforce, about the various kinds of disabilities that exist, and that there are certain needs and how you deal with these people in a respectful, professional manner. That took a lot of time. When you're dealing with a person who is visually impaired, a very natural instinct is just to hold them and guide them. And we found out that that's not the right way of doing it. You let the person who is visually impaired hold you and then you guide them. So I think that was a bigger challenge for us. Making our own employee, the physical part easy. You spend money, you spend some time, you get done. But when it comes to dealing with people and sensitizing them, it takes a little more time. It needs kind of repetitive inputs to make sure that the message actually gets driven. The third was finding
update the people with disability to a call center and inform me really well. A call center job is extremely stressful, I think. On a serious, it's the air traffic controller, which is said to be the toughest job in the world, followed by call center agents, because you don't know who the caller is, and most of these times the calls are not very pleasant. And these people did really, really well. So we experimented with a batch of 10 few years ago, and they did really, really well. I know that the legislation isn't really enforced in the corporate world, and that amount that you quoted, 14,000, is extremely negligible for any organization in current context. So I think probably that needs to be looked at. I don't know if that's a forum, but I think that needs to be highlighted that it's a very easy way of not implementing the legislation itself by making it so easy. The violation is so meager. Before I wrap up, I think I still have a few minutes. So this is, I want to share the story of what we did at Turn of Pakistan, but I also wanted to share about how technology or the evolution of how work has played a role in employment opportunities. It's no longer traditional, you come to office, you work the whole day, you go back. A lot of our work is outsourced. If you break down the whole process of industrialization, there's a lot of things that don't need you to be physically present in the office. Apps development, you quoted an example of the website that you have, a lot of people work on that, there are a lot of applications. Imagine you open an application and you put it on the iOS platform, you have access to 500 million customers. You don't need a workspace, you don't need to, the way of working traditionally, dressing up, going to the office, working 9 to 6 and going home, that's changed. Now, I don't care what time my team comes in, I don't care what time they need. I actually don't care if I can see their face during the day or not. As long as they work, irrespective of where they work from, I don't care. I've never had that discussion with my team members. So you also need to understand that the way of work is also evolved. There are a lot of opportunities that ICT provides. There are a lot of startups that you can look into. There are a lot of software development. There are a lot of back-end IT jobs that you can do from wherever you are. To me, this is my office. Whenever I have access to this thing, that's where my office is. So we have to relook how traditional jobs have been, and we also need to see how the world is evolving. It is no longer you sit behind a desk and somebody brings you a pile of documents and you go through them and that's the end of the day and you go back and take all of your son. That has changed. And we need to keep pace with the developments in ICT and see where those opportunities exist. And how can we benefit from it? And it's up to us. Nobody's going to bring it to our table at our house. You have to reach out and explore how the world is evolving, how the corporate industry is evolving, what sort of new ICT opportunities exist, and then make the most of it. Yeah. So, before you throw me out of the room, I'll absolutely on time. Thank you so much. Now I would like to request one of my dear colleagues, Mr. Vidhuja. And I'm really pleased to have him in the panel because he has a lot of traditional experience as well. So I would like him to touch upon the best traditional best practices, and Internet Society is working very hard to promote the issues related to people with disabilities, especially with relevance to technology. So I'll hand over to him. Thank you. Yeah, we've been colleagues. My previous life, I was working with PTA, so yeah, I was still a good colleague. So I work for Internet Society. I'm the Regional Development Manager for Asia Pacific. Internet Society, we are a global organization. We provide leadership on internet technology policy and development issues. And when we talk about this topic of ICT and employment, I think what my colleague just said is spot on. I think we have to realize that the meaning of ICT or internet is that there are no further barriers. You don't have to be face-to-face with your boss. You don't have to be face-to-face in an employment environment. And to me, there are two sides of this coin. So first, when we talk about ICT, it's like, you have the computer skills, do you have digital skills? And that is very important, because if you do not have digital skills, moving forward in next 5-6 years, the way we are moving in digitalization in Pakistan, I think having a digital skill might be a mandatory. And the organizations like she's leading are trying to do and build up those capacities. The second side of the coin is the entrepreneurship. So
you know, when we talk about internet, now the world is talking about the shared economy. You know, the Ubers and the Airbnbs and the Kickstarters of the Kareem in Pakistan, you know, we're talking about the shared economy. That's how the economy of the world is moving towards. And then we talk about digital economy as well. I was reading a report yesterday. They say that around $335 billion is the market of shared economy in 2025. So just imagine a person with a disability having proper skill set of launching a business using the internet or ICT platform. I think that is the way forward, or that is the strategy that the government circles or the industry should have in their mind, or in fact as a society overall as well. I totally agree with this as well, with this comment of, you know, unfortunately we are not very receptive for this marginalized community, which is around say 10% of our population. So that thing has to change as well. But at the same time, when we talk about internet and ICT, I think we have to maybe give more focus on entrepreneurship and making employment opportunities through these channels, because internet by itself is a technology, is a platform which enables anyone to connect with anyone. So I think that's one of the key target that we should have in mind. Again, yesterday when I was just preparing myself for this panel, I read a story of someone from USA. And that guy is visually impaired. He launched a business using internet, a website. And all that website does is it provides gifts to people and also provides services of recreation for any person with disability. You know, so they will come, they will pick you from your home, they will give you a whole day of recreational activities, etc., etc. And he's earning from that business. And also another research, again in USA, says that persons with disability have more inclination towards entrepreneurship as compared to normal people. So I think that's a very important point that when we talk. So if you ask me about Asia Pacific, I mean, I've worked in Indonesia and many and they are trying to come up with a dictionary for persons with disability. Now for me it's a big project, although on paper it's a very normal thing. In fact, it's pity to see that we don't have dictionary in Bangladesh for person with disability. It's just that basic thing. So, you know, I probably would stop here because I sometimes get very emotional. I've been working with these people since last 18 months across Asia Pacific, starting from Pakistan. And sir, as you just said, just giving you a statistics out of Pakistan, we just did a simple research on top 100 websites in Pakistan from Alexa, and 90% of them were not accessible. So the point that you were making, that when a person goes to Telenor website, applies for a job, there are problems of colors, there are problems of fonts, and they are not, it's not rocket science to actually resolve them. It's that mindset which you have to put in the mind of that developer, that coder which is making that website, that hey man, this is your 10% of Pakistan population. This is a consumer, this is a market. Take it as a business activity, not as